गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने एक दिखाया था स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3, तो उसी के बेस के ऊपर आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन है हमारा साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है देखिए, हमें क्या करना है। अब ये पावर में है दोनों, तो इसको मुश्किल हो जाएगा ऐसे करना, तो हम इसको एक टेक्निक इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट इट बी, मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स, फिर यहाँ लिख देता हूँ कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस, ठीक है, कॉस जिसमें कॉस स्क्वेयर एक्स लिख दिया इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू मैं डी एक्स करता हूँ। इसमें एक रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉरी इसको रहने दीजिए, साइन क्यूब ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम इसको लिखेंगे साइन क्यूब, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, लिख सकते हैं ना इसकी जगह, इसकी जगह कॉस एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पुट कर लीजिए टी की जगह साइन एक्स, बेनिफिट हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स में आ जाएगा कॉस एक्स, और डी टी कितना मिल जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। आई आपको मिलेगा, देखो ये टी का क्यूब 1 माइनस टी का स्क्वेयर, यहाँ पे मिल जाएगा इसके साथ डी टी, क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए आई मिल जाएगा टी क्यूब, ठीक है, माइनस टी बेसिस से पावर जाएगा मिलेगी 5 टी टी, यहाँ पे आ जाएगा टी 4/4 माइनस टी 6/6 प्लस ही, तो मतलब 1/4 टी क्या है, टी हमारे पास था साइन एक्स, साइन 4x आएगी, 1/6 साइन 6x प्लस सी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर हम और कोई मेथड इम्प्लीमेंट करते तो ये मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे रहने दिया साइन क्यूब एक्स को, इसको ब्रेक किया कॉस स्क्वेयर एक्स, इसको 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स कर दिया। मुझे पता था कि मैं अगर साइन को पुट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा कॉस एक्स, तो डी एक्स इसकी जगह तो आगे डी टी, तो इसकी जगह कितना डी क्यूब, इसकी जगह टी का स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन की बेसिस सेम पावर जेड की प्लस वन ऊपर प्लस वन नीचे, आप लोगों का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन से हम फोकस करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत बार पेपर में आया बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर है, उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आ गया बेटा, याद रखना एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स का, ये होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, बच्चे ये आ गया 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 डी एक्स, नीचे कितना गया 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये 2 कैंसिल, ये आ गया टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये फॉर्मूला हो गया सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि हमें पता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला नहीं इंप्लीमेंट होगा। तो बोला इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये आ गया सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस डी एक्स, सीकेंट का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स बाई 2 और x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2, ये आंसर माइनस x प्लस 2 2 tan x by 2 माइनस x प्लस 2 सी। तो ये आप लोगों को आपको मिल गया आंसर। तो देखिए कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, 1 माइनस cos x का फार्मूला लगाया है 2 sin स्क्वायर x by 2, ठीक है, 2 sin स्क्वायर x by 2 लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया tan स्क्वायर x by 2, ठीक है, tan स्क्वायर x by 2 का फार्मूला होता है secant स्क्वायर x by 2 माइनस 1, तो secant स्क्वायर x by 2 को अलग कर दीजिए, 1 को अलग कर दीजिए, तो टेन एक्स बाई टू तो बाई 1/2 और माइनस डिफरेंशिएशन डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस ये कट गया प्लस सी, 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी आ गया आंसर। ठीक है,
बच्चे इसको फॉर्मूला कैसे करना है, आप प्लस वन करो इसमें और माइनस वन करो, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स। तो बच्चे लोग इसमें आप लोग कर सकते हो वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स, वन भाग में वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चे इसको कर लीजिए, हम कर लेंगे डी एक्स, है ना, ये आएगा वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे मिल गया बेटा, चलो ये तो आ जाएगा एक्स, है ना, इसका फॉर्मूला होगा वन बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, अभी मैंने बताया, तो ये मिल जाएगा एक्स माइनस, देखो बच्चे वन बाई टू बाहर निकालो, ये वन बाई टू जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक। इसको आ गया टेन एक्स बाई टू, इसकी डिग्रेशन टेन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू के नीचे वन बाई टू, वन बाई टू प्लस सी, तो आ गया एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को निकाला। तो पहले हमने क्या किया है, देखिए हमने क्या किया, पहले इसको अलग अलग किया, ये जो कैंसिलेशन होगी डी एक्स आ गया, वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वन बाई टू बार था, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो ऑब्वियसली इसका एंगल था तो एक्स बाई टू का नीचे का डेरिवेटिव होगा वन बाई टू, वन बाई टू रूट टू के अंदर कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे महाराज के बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे अब इसमें देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इसको लिख लीजिए जैसे हम लिख लेते हैं साइंस के रेक्स, साइंस के रेक्स और डी एस, ठीक है। तो इसमें अब आपको सॉल्व करना है, एक काम करिए यहां पे लिख लीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ यहां पे, यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ यहां पे साइन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स होता है वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, ठीक है, यह आएगा वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू। चलो अगर हम इसको ऐसे कर लें, स्क्वायर कर लें ऊपर, ठीक है, बाय टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने किस तरीके से करना है, यहाँ पे वन बाई फोर तो बाहर आ गया, ठीक है, ये आ गया ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस टू ए बी टू कॉस ऑफ टू एक्स, बस हो जाएगा सॉल्व। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस टू एक्स का, कॉस के एक्स का वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, तो यहाँ पे आएगा वन बाई फोर वन प्लस, ये बच्चे इसका फॉर्मूला लग जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स, टू एक्स टू, टू एक्स ऑलरेडी है, जब अब लगूंगा यहाँ पे एंगल है एक्स तो आता है वन प्लस फोर टू एक्स, और जब एंगल टू एक्स का आएगा कितना फोर एक्स, बाई कितना आएगा ये कितना आएगा वन प्लस फोर एक्स बाई कितना आएगा, ये रहेगा फॉर्मूला टू ही, ठीक है। तो माइनस टू कॉस टू एक्स और बाहर क्या आएगा डी एक्स, चेक कर। तो बच्चे ये हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन अलग अलग, इसको करेंगे देखो ये आ जाएगा वन बाई फोर, ठीक है, ये आ जाएगा वन, ठीक है, डी एक्स अलग प्लस वन बाई एट, ठीक है, वन बाई एट डी एक्स, ठीक है, ये भी लिखे वन बाई एट कॉस फोर एक्स डी एक्स, और ये आएगा, ये तो हमारे पास देखो वन बाई फोर तो सबके साथ, इसमें तो वो दो रहेगा मेरे बाद में, तो ये आएगा माइनस टू बाई फोर इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स डी एक्स। तो इसको कर लीजिए एक्स बाई फोर एक्स बाई एट प्लस साइन फोर एक्स बाई एट इंटू फोर आएगा, ठीक है, ये तो ऑलरेडी कितना है टू वन टू वन टू टू फोर माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई टू साइन है टू एक्स, ठीक है। अब ये तो वन बाई टू ये टू इसका आ गया जाएगा सी। हमने क्या किया है देख लीजिए, हमने इंटीग्रेशन किया है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स बाई फोर आएगा, तो ये वन बाई टू ऑलरेडी था माइनस वन टू, कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स बाई टू आएगा,
तो बच्चे इसको हम कर सकते हैं, ये कर दीजिए 8x प्लस 4x 12x बाई 32 प्लस आएगा साइन 4x बाई 32 माइनस 1 बाई 4 साइन 2x प्लस सी। तो देख लीजिए ये कितना चला जाएगा, 6 टू जा एंड कितना चला जाएगा 16 टू जा, फिर 3 टू जा और 8 टू जा, तो ये आएगा 3x by 8 plus sin 4x by 32 minus 1 by 4 sin 2x plus c। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।